श्रद्धेय श्री साहेब जी, मूद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर ने कहा है, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा, जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश दिन्हों ते छाड़ परम निधाना, ज्योति देखि पतंग हुलसे पशु न पेखै आग, काल फांस नर मुग्ध न चेतो कनक कामनी लाग, शेख सैयद कितेब निरखें सुमृति शास्त्र विचार, सतगुरु के उपदेश बिनु तह जान के जीव मार, कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए, कहें कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोय। माया मोह मोहित कीन्हा, सतगुरु कहते हैं कि माया के मोह ने दुनिया के सारे लोगों को भ्रमित कर लिया है। सारे लोग माया के मोह में डूबे हुए हैं, इसलिए उनका ज्ञान रत्न नष्ट हो गया है। ये माया क्या है जो सबको मोह रही है और सबको भ्रमा रही है? लोग कहते हैं कि क्या करें महाराज, माया ने ऐसा चक्कर डाल दिया है कि अब उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। महाराज माया मोह में पड़े भटक रहे हैं, ये माया है क्या? कहाँ से आती है ये माया? कौन डालती है हमारे ऊपर ये माया? लोग ये भी कहते हैं, भैया भगवान की माया सबको भटका रही है, सबको भ्रमा रही है, भगवान ने सब पर अपनी माया डाल दी है और वो माया सबको परेशान कर रही है। क्या ये बात सच है? एक तकिया कलाम जैसा है, सुनी सुनाई बात है, ये बात विवेक पूर्वक नहीं है। भगवान की जैसी कल्पना की गई है और शास्त्रों में भगवान की जैसी व्याख्या की जाती है, उसके अनुसार तो भगवान शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। भगवान तो तारने वाला है, तो जब शुद्ध बुद्ध निर्मल है, पवित्र है और तारने वाला है, तो अपनी माया डालकर किसी को भटकाएगा क्यों? किसी को तकलीफ में क्यों डालेगा? और जो तकलीफ में डालने वाला है वो तारने वाला कैसे होगा? दूसरे को पीड़ा देने वाला शुद्ध बुद्ध कैसे होगा? दयालु कैसे होगा? भगवान को दयालु कहा गया है, दया के सागर कहा गया है,
तो जो दया का सागर होगा वह किसी को माया में डालकर भटकाएगा क्यों? वह तो माया से मुक्त करने वाला होगा। ये समझना होगा कि जिस माया में पढ़कर हम भटक रहे हैं या जो माया हमको भटका रही है, वह माया किसी भगवान की बनाई हुई माया नहीं है। किसी भगवान ने हमारे ऊपर माया डाली नहीं है, किंतु हमारी बनाई माया से हम परेशान हैं। जो माया हमको भटका रही है वो हमारी अपनी ही बनाई हुई है। सुख के लिए हम माया बनाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। माया बनाते गए, भटकते गए, फंसते गए, उलझते गए, और भ्रम ये होता है कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वस्तुतः माया बाहर कहीं नहीं है। न धन माया है, न परिवार माया है, न शरीर माया है, न संसार माया है। यदि धन माया है तो धन का उपयोग, रुपये पैसे का उपयोग तो साधु महात्मा भी करते हैं, जीवन पर्यंत करते हैं, तो भी माया से मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर परिवार माया है तो साधु भी गुरु के साथ रहते हैं, गुरु भाई के साथ रहते हैं, शिष्य के साथ रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, तो माया से मुक्त तो नहीं हो पाएंगे। वह दुनिया माया है तो साधु इस दुनिया में रहते हैं, मुक्त कैसे हो पाएंगे फिर? तो न धन माया है, न प्राणी पदार्थ माया है, न दुनिया माया है। माया है वस्तुतः हमारे मन का अज्ञान, हमारे मन का मुंह। मन ही माया कहना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोक संशय परी, मैं का ही कहूँ समझाए। मन ही माया है, माया मन में ही समाई हुई है। मन को छोड़ करके अलग माया कहीं नहीं है। साहब ने भी कहा है, मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट। ये मन माया की कोठरी है। जैसे एक कोठरी होती है कोई सामान रखने की, जिस कोठरी में जो सामान रखा होगा, जो चीज़ रखी होगी, वो कोठरी खोलने पर उसमें से वही सामान निकलेगा। मान लो एक ऐसी कोठरी है, एक ऐसा कमरा है, घर है, जिसमें आप गाय बांध कर रखे हुए हैं, खोलेंगे तो क्या निकलेगी? गाय निकलेगी। बैल बांध कर रखें, बैल, भैंस बांध कर रखें, भेड़, बकरी बांध कर रखें, बकरी। किसी कोठरी में आपने कपड़ा भरा है तो वहाँ से कपड़े निकलेंगे। अनाज भरा है तो अनाज निकलेगा। कोई और चीज़ भरे हैं तो वही निकलेगा। जिस कोठरी में जो सामान होता है, कोठरी खोलने पर वही सामान निकलता है। हमारा मन माया की कोठरी है। सुबह उठे, अब किसी की याद आ गई, बस मन दुखी हो गया। किसी के लिए निंदा के भाव का भाव आ गया, किसी के लिए ईर्ष्या का भाव आ गया, किसी के लिए द्वेष का भाव आ गया, किसी के लिए मोह का भाव आया, किसी के लिए बैर का भाव आया, बस यही तो माया है। सुबह उठे, उठते ही बीड़ी की याद आ गई, अब बीड़ी नहीं मिली तो परेशान, अब बीड़ी माया बन गई। तंबाकू की याद आ गई। कितने लोग कहते हैं महाराज, सुबह जब तक तंबाकू नहीं खा लेते हैं तब तक शौच उतरता ही नहीं, तंबाकू माया बन गया। कोई कहते हैं महाराज, जब तक बीड़ी नहीं पी लेते हैं तब तक पेट फूलता है, बीड़ी माया बन गई। साहब ने कहा है, माया माया सब कहे, माया लखे न कोई। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो मन से ना उतरे, जो हमारे मन पर हर समय सवार रहे, जिसकी आसक्ति हमको हर समय परेशान करती रहे, वही माया है।
खाने बैठे, बिना खाए जीवन चल नहीं सकता, बिना खाए हम जी नहीं सकते, लेकिन खाने बैठे सब कुछ सामने आ गया, दाल भात रोटी सब्जी सब कुछ सामने आ गया, लेकिन आपको चटनी नहीं मिली, अचार नहीं मिला, और चटनी अचार न मिलने से आप दुखी हो गए, तो चटनी अचार आपके लिए माया बन गए, उन्होंने परेशान कर दिया आपको। चटनी से पेट नहीं भरेगा, अचार से आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन उसके बिना हो रहा है यार, क्या चटनी क्या भोजन करें, चटनी नहीं अचार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, जो मज़ा नहीं आ रहा है ना वही माया है, और कुछ माया नहीं है। अब कहाँ कहाँ बंधा है मन, जरा ख्याल कर लो, जो चीज हमारे मन का जो भाव हमें प्रसन्नता से जीने न दे, सुख की नींद सोने न दे, मन का वही भाव माया है। अब कौन कौन सा ऐसा भाव हो सकता है, अमुक माया है, अमुक माया है, अमुक माया, हम नहीं कह सकते। जो हमें पकड़ ले और ऐसा पकड़ ले कि दुख चाहते हुए भी हम उसे छुटकारा ना पा सके, वही माया है। अब माया कहीं भी अपना घर बना सकती है, बनाती है। साहब ने एक पद कहा है, बहुत मार्मिक पद है, ऐसा नहीं है कि जो घर गृहस्थी में रहने वाले हैं परिवार वाले वही माया में बंधे हुए हैं, जिन्होंने घर द्वार छोड़ दिया है वो साधु कहलाने वाले भी माया में बंधे हुए हैं, यदि विवेक नहीं है तो। अब विवेक है तब घर परिवार में रहकर भी माया से मुक्त हैं लोग, अविवेक माया है, अज्ञान माया है, मोह माया है, अहंकार माया है, मैं बड़ा हूं ये भाव माया है। साहब ने कहा है, संतों माया तजी न जाई, गिरही तज के बिस्तर बांधा, बिस्तर बांध के योगी, ऐसे पद आया है आपका, उसमें साहब ने कहा है, काम तजे तो क्रोध न छोड़ा, और क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो मोह न छोड़ा, मान बढ़ाई शोभा। कितने पुराणों में आप पढ़िए, कितने तपस्वी हैं, बड़ी तपस्या कर रहे हैं, एकदम विरक्त होकर के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मन के प्रतिकूल कुछ हुआ, एकदम भभक पड़े क्रोध में, इतने साल तक तपस्या किए, लेकिन हजार साल, 2000, 10000 साल तक तपस्या किए, यद्यपि बात झूठ है, 1000, 2000 साल कोई जीता नहीं है, पुराणों में ये बात आई है बार बार, अमुक ऋषि 5000 साल तक तपस्या किए, अमुक 10000 साल, और शिव जी ने तो मानस में लिखा है 87000 साल तक समाधि लगाए, कोई आदमी इतना लंबा जीता नहीं है, चाहे उसे भगवान कहो, चाहे ऋषि मुनि कहो, चाहे तपस्वी कहो, चाहे साधु महात्मा कहो, चाहे सिद्ध पुरुष कहो, अधिकतम लोग तो 100 के भीतर ही दुनिया से विदा हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 से पार जाते हैं, कबीर साहब ही 100, 120 साल से जिए, कोई 125, 130 से 35 साल तक जीने वाले हैं, लेकिन ये विरल लोग होते हैं। अधिकतम लोग 100 साल के भीतर ही दुनिया से विदा हो जाते हैं, और 100 साल की उम्र मान करके ही पहले ऋषि मुनियों ने 25-25 साल के 4 आश्रमों का विधान किया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जन्म से 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बालक गुरुकुल में निवास करके शिक्षा ग्रहण करें, 25 साल तक शिक्षा ग्रहण हो गया, फिर 26 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, विवाह कर ले,
बाल बच्चे पैदा कर ले, 25-50 साल की उम्र हो तो बच्चे बड़े हो गए। 51 से 75 साल तक उम्र तक वानप्रस्थ आश्रम, जिम्मेदारी बच्चों को सौंप दिए, घर में रह कर बस उदासीन जैसे रहने लग गए। अब 75 के पश्चात संन्यास आश्रम, ये विधान किया गया था 25-25 साल तक के। अब कोई 2000 साल जीता है, 5000 साल जीता है, तो कैसे 25-25 साल बांटोगे? एक कहने का तरीका है, कोई जीता नहीं है। वेदों में बार बार ये बात आती है, जीवन सर्दा सतम, पश्चिम सर्दा सतम, श्रीराम सर्दा सतम, प्रभुराम सर्दा सतम। हम 100 साल तक जिए, 100 साल तक बोलें, 100 साल तक देखें, 100 साल तक सुने। वेदों में कहीं भी 1000, 2000, 4000, 5000, 10000, 20000 साल जीने की बात नहीं आती है, अधिकतम 100 साल जीने की बात आती है। खैर, मैं तो दूसरी बात कह रहा था। तो लिखा है कहानियों में, अमुक ऋषि इतने साल तक, इतने हजार साल तक बिना खाए पिए, बिना भोजन किए, बिना पानी पिए, एक पैर पर खड़े हो करके, एक आसन से बैठ करके तपस्या करते रहे। लेकिन ऊपर आकाश से उड़ती हुई एक चिड़िया आई और चिड़िया ने बीट कर दिया, चिड़िया के बीट तपस्वी पड़े और तपस्वी क्रोध में आकर चिड़िया भस्म कर दिए, खड़ी होगी ना माया? हजार साल तपस्या किए, कहानी के अनुसार एक जरा सी प्रतिकूलता चिड़िया ने बीट कर दिया, जानबूझ करके बीट किया था चिड़िया ने, उसका स्वभाव था उड़ते उड़ते बीट करना। ये अमुक की बात नहीं है, खाली काम वासना माया नहीं है, क्रोध माया है, लोभ माया है, मोह माया है, और मैं बड़ा त्यागी ये भावना माया है। मैं बड़ा साधु, मैं बड़ा महंत, मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा आचार्य, ये भाव में आया तो समझना चाहिए माया ने हमें अच्छी तरह से जकड़ लिया है। वस्तुतः माया है मन का मोह। सद्गुरु कबीर कहते हैं, माया मोह मोहित कीन्हा। माया के मोह ने लोगों को भ्रमा दिया है, कहीं भी अनर्थ होता है। क्यों? मोह के कारण से, लोभ के कारण से। जितने भी गलत काम होते हैं माया के चक्कर में पड़ कर के ही होते हैं, और कुछ नहीं होता। रावण जैसा विद्वान, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, चारों वेदों का प्रकांड पंडित, वेद विद्या व्रत स्नातः, ये वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए कहा गया है, वेद विद्या व्रत स्नातः, वेद विद्या में निपुण रावण, सीता के सौंदर्य का वर्णन सुना सुपनखा के द्वारा पागल हो गया। अभी सीता को देखा नहीं है, सुपनखा जब जनस्थान से लौट कर जाती है तो पहले रावण को खूब फटकारती है और कहती है कि तुम एकदम बेभान हो करके डूबे हुए हो, तुम्हें पता नहीं है क्या क्या हो रहा है। फिर कहती है कि अयोध्या के दो राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ एक सुंदरी युवती है सीता राम की। सीता जैसी सुंदरी पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी। सुर्पनखा द्वारा सीता के सौंदर्य का वर्णन सुन करके रावण पागल हो गया। उसका सारा ज्ञान विवेक और सारा वेद ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। परिणाम क्या हुआ? सब ताते ज्ञान रतन, जब जब माया आएगी हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। बात थोड़ी कड़वी, भावना में ठेस देने वाली बात नहीं है, लेकिन बड़े पुरुष भी जब माया के मोह में पड़ते हैं तो कैसे तकलीफ उठाते हैं। जो राम अयोध्या की गद्दी को तीन के समान समझकर ठुकरा दिए,
और 14 साल के लिए घोर वनवास स्वीकार कर लिए, और जिनके पीछे पीछे अयोध्या के राजसुख का त्याग करके सीता भी राम के अनुगामनी बनकर जंगल चली आए, वही वो राम और सीता इतने बड़े राज्य सुख का त्याग करने वाले एक सोने के समान मृग को देख करके लुभा गए, मोहित हो गए। परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण ने समझाया है वहां पर, जब सीता ने कहा ये सोने का मृग बहुत सुंदर है, इसे मेरे लिए चाहे जैसे पकड़ करके लाओ, राम तैयार हो गए। ये वाल्मीकि रामायण में कह रहा हूं। राम तैयार हो गए। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का अमृत कहीं होता नहीं है, आज तक कहीं देखा सुना नहीं गया है, हम लोग जंगल में निवास कर रहे हैं और जंगल में राक्षस रहते हैं, राक्षस रूप बदलना जानते हैं, मुझे लगता है धोखा है, कोई राक्षस हमें धोखा देने के लिए इस सोने के मृग का रूप बदल करके आया हुआ है, आप मत जाए। तब वहां राम ने कहा है लक्ष्मण सीता का बहुत मन है, अब चाहे जो हो इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाना है। मन में मोह आ गया ना, विवेक हरण हो गया। परिणाम क्या हुआ? महाभारत में प्रसंग आता है जब एक बार युधिष्ठिर जुआ अपना सब कुछ हार गए, राजपाट सब लौटने लगे, द्रौपदी जाकर के रोती है धृष्टराष्ट्र के पास। धृष्टराष्ट्र ने कहा बेटी मैं जाता हूँ सब कुछ लौटा देता हूँ। सब लौटा दिया। दुर्योधन और शकुनी को पता चला तो दुर्योधन ने कहा अरे बुढ़वा सब काम खराब कर दिया। तो शकुनी ने कहा घबराओ मत, हम फिर बुलाते हैं युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए। फिर दूत भेजा गया, युधिष्ठिर लौटा था आधे रास्ते में, फिर दूत भेजा गया और कहा कि दुर्योधन आपको फिर से जुआ खेलने के लिए बुला रहे हैं, एक बार हार चुके हैं, धोखा खा चुके हैं, लेकिन जुए की आसक्ति, जुए की आदत इतनी प्रबल कि जानते बुझते हुए भी युधिष्ठिर फिर लौट गए। वहीं पर महाभारतकार कहते हैं असंभवे हेम मयस जंतो तथापि रामो लुलभे मृगाय, प्रायः समासन परा भवानाम धियो विपर्यस तत्रा भवंत। असंभवे हेम मयस जंतो, महाभारतकार कहते हैं सोने के समान सोने के शरीर वाला जानवर होना असंभव है, तथापि रामो लुलभे मृगाय, फिर भी राम जैसे पुरुष सोने के मृग को देख करके लुभा गए। सच है प्रायः समासन परा भवानाम धियो विपर्यस तत्रा भवन्ति, सच है जब आदमी का पतन आता है तो बुद्धि मारी जाती है। महाभारतकार ने यहाँ राम को क्षमा नहीं किया। जो सच बात होती है सबके मुंह से कहीं ना कहीं से निकल आती है। बात मैं ये कह रहा हूँ जब जब मन में मोह आता है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, ज्ञान रतन हरि लीना, हमारा ज्ञान हमारा विवेक हमारी सावधानी हमारी जागृति कुछ भी कहें सब नष्ट हो जाता है। वह आदत ही क्या जो आदमी के विवेक को नष्ट ना कर दे, वह आदत ही क्या जो आदमी को भटका ना दे, वो माया ही क्या। इसलिए बड़ी सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है। जीवन जीने के लिए अनेक चीजों की आवश्यकता होती है, सस्ती और महंगी।
जब जो चीज मिल जाए, जैसी चीज मिल जाए प्रयोग कर लें, लेकिन किसी भी चीज से, किसी भी परिस्थिति से अपने को बांधे ना, अपने को जोड़े ना। अनुकूल परिस्थिति मिली बिहार कर लो, प्रतिकूल परिस्थितियां आई शांत रहो, धैर्य रखो, और शांत और धैर्य रख करके अपना काम करते चलो, प्रतिकूल परिस्थिति भी चली जाएगी, रुकेगी नहीं। इसलिए कहीं भी किसी से बांधो मत, ये बांधना तकलीफ देता है, ये बांधना माया बन जाता है। कभी भी ये ना कहें अमुक चीज ना मिले तो जीवन बेकार, ये सोचें। छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, सस्ती चीज हो, महंगी चीज हो, सारी की सारी चीजें आपके लिए होती है, आपके आपके जीवन के लिए होती है, आप चीजों के लिए नहीं हो। जिस क्षण आपने ये कहा कि अमुक चीज नहीं मिली तो जीना बेकार समझना, उस क्षण उसी समय वह चीज मालिक बन गई और आप गुलाम बन गए, और गुलाम सबसे नहीं जी सकता। मालिक जैसा नचाएगा गुलाम वैसा नाचेगा, वो चीज नचाएगी आपको। मालिक बन करके जीना है, स्वतंत्र बन करके जीना है, और जीवन का सही लाभ लेना है, तो कहीं भी किसी चीज से अपने को जोड़े ना। किसी सारी चीजें आपके लिए चीज, जिस चीज बड़ी हुई, और चीज बड़ी कब होती है, जब हम ये कहते हैं वह चीज ना मिले तो जीवन बेकार, वह चीज बड़ी हो गई और आप छोटे हो गए, और वो चीज नचाएगी आपको, फिर आप सुख से जीवन नहीं जी सकोगे। हर क्षण वो दिमाग पर सवार रहेगी चीज। आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य की विशेषता है विवेक। मनन करें, सोचें, जिस वस्तु के लिए आप कहते हो कि अमुक चीज ना मिले तो जीना बेकार है, उस चीज के बिना दुनिया में करोड़ों लोग बड़े आराम से जी रहे हैं। आप क्यों नहीं जीते? आपके मन की आदत, आपका मोह, आपके मन की आसक्ति, वो कहलवा रही है आपसे कि उसके बिना जीवन बेकार है। करोड़ों करोड़ों लोग जी रहे हैं, अब बड़े आराम से जी रहे हैं, याद भी नहीं करते हैं। जब वे लोग जी सकते हैं तो आप क्यों नहीं जी सकते? क्यों अपने को बड़ा मान लिए, क्यों जोड़ लिए? वे जोड़ना माया है। उदाहरण अक्सर याद आता है कि बहुत पुरानी बात है, हमारे गुरुदेव जी एक जगह कार्यक्रम में थे, भोजन का समय था, गुरुदेव जी भोजन करके आ चुके थे अपने निवास में, और संत भोजन कर रहे थे। उस समय एक परिचित पंडित आ गए गुरुदेव जी के पास। गुरुदेव जी ने उस पंडित से पूछा, कहो पंडित जी भोजन हो गया? उस पंडित ने कहा, महाराज, अरे महाराज क्या हो जना, आगे घी न पाछे दही, कौन हाल भोजन के कही। भोजन के पहले घी नहीं मिला, अब भोजन के पश्चात दही नहीं मिला, क्या भोजन हुआ? मतलब घी और दही बड़े हो गए और वो छोटा हो गया, बस वो घी दही माया बन गए। अब खटक रही दिमाग में बात, हाय भोजन पेट तो भरा है लेकिन घी अभी अभी खाली खाली करवा रहा है पेट को, अब दही नचा रहा है, वो नचाना माया का काम है। सारा पांडित्य चला गया, सारा विवेक चला गया। साहब कहते हैं, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीना। जब जब माया दिमाग में आएगी तब तब विवेक नष्ट होता चला जाएगा,
और जिसके पास विवेक ही नहीं है उसे आदमी कैसा कहा जाए? आकृति आदमी की है, प्रकृति आदमी की नहीं है। आदमी वह है जो विवेक पूर्वक जीवन जीता है, होश हवास में जीवन जीता है, और होश हवास में जीवन जीने वाला स्वतंत्र होकर के जीता है, मालिक बन करके जीता है। चीजों की आवश्यकता है मैंने कहा, अब चीजों का प्रयोग करो। कहीं गए, सामान्य चीजें मिली प्रयोग कर लो, महंगी चीजें मिली प्रयोग कर लो, जब जैसा होता प्रयोग कर लो, लेकिन जोड़िए मत। ये जोड़ना हमको बांध देता है, जोड़ना हमको गुलाम बनाता है। आगे साहब कहते हैं, जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। जीवन कैसा है? जैसे सपना। दोहराते साहब कि जीवन सपन समाना, जीवन सपने के समान है। क्या सचमुच में सपने समान? क्यों? हम सपना देखते हैं, सपना में क्या क्या मिलता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, और लगता है कि मैं बिल्कुल सच देख रहा हूँ। सपना देखते समय कभी ये महसूस नहीं होता कि मैं सपना देख रहा हूँ, हम यथार्थ में थमें जी रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन जब आँख खुलती है तब सारा जो कुछ वैभव था, जो कुछ ऐश्वर्य था, वो सब गया। वो सपना थोड़े समय के लिए होता है, और वो सपना हम आंख बंद करके देखते हैं। जीवन का सपना एक लंबे समय के लिए होता है और आंख खोल करके देखते हैं। रात में जो सपना आंख बंद करके जब देखते हैं हम, आंख खुलने पर कभी कभी उस सपने की याद आती है, आज मैंने ये सपना देखा। और कितने लोग तो सपने की याद कर कर के पता नहीं इतना वर्णन बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं क्या कहें। कुछ लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, मैंने ये सपना देखा, मैंने ये सपना देखा। और कुछ लोग एकदम भयभीत होते हैं, अरे महाराज मैं सपना सपना देखा, मौत सामने आ गई थी, बाघ आ गया था, सांप काट रहा था, ये था। सपने की याद भी मत करो और सपने की चर्चा भी मत करो, सपने पर विचार भी मत करो। कोई जरूरत नहीं, सपने विचार बहुत चलता है, बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे हुए हैं, केवल धोखा है, केवल धोखा है। सपना तो हमारे देखे सुने भोगे हुए के संस्कार होते हैं, अच्छा हो तो बुरा हो तो, वो केवल हमारे भीतर के संस्कार हैं। अचेतन मन में हम जो कुछ कर रहे हैं ना, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सबके सब सब की छाप हमारे हमारे अनकॉन्शियस माइंड पर, अचेतन मस्तिष्क पर पड़ते चले जा रहे हैं। जब हम सो जाते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड जब काम करना बंद कर देता है, तो वहाँ जो संस्कार पड़े हुए हैं वो संस्कार हमारे मानस पर प्रतिबिंबित होते हैं सपना के रूप में। इसलिए उस पर चर्चा ही मत करो, याद भी मत करो, क्या मिलने वाला उससे। सर तो बात यहाँ यह है कि जैसे हम सपना देखते हैं लगता है बिल्कुल सच है, वैसे ही ये जीवन लग रहा है सच, लेकिन आजकल में सपना हो जाएगा। और याद रखना, रात में सोते समय आँख खोल कर जो सपना, आँख बंद कर जो सपना देखते हैं, आँख खुलने पर उस सपने की याद आती है। लेकिन जो जीवन का सपना देख रहे हैं आँख खोल करके, जिस दिन आँख बंद हो जाएगी इसकी कभी भी याद नहीं होने वाली है। रोज जरा ख्याल करो, रोज आप सोते हो, सपना देखते हो, और जब नींद खुलती है, आँख खुलती है, तो याद होता आज मैंने सपना देखा। लेकिन जब आपकी गाढ़ी नींद लग जाती है, एकदम गाढ़ी नींद लग जाती है, तब आपको क्या
अपने परिवार की जमीन की दुकान की फैक्ट्री की ये की किसी की याद होती है? रोज भूल जाते हैं। एक दिन रोज हम 4-6 घंटे के लिए अपनी मानी गई दुनिया को भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं हो जाते। और एक दिन ऐसा आएगा सदा काल के लिए हम भूल जाएंगे। तो क्या इस बात को लेकर निराश हो जाएं? निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस हकीकत को याद करते रहेंगे कि जो कुछ हमें मिला हुआ है यदि सपने के समान हो जाएगा, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, तो जीवन में कभी कोई पाप नहीं होने पाएगा। जो कुछ भी पाप होता है छोटा बड़ा, सदैव मौत को भुला करके ही होता है। मौत की याद रखने वाला आदमी कभी पाप नहीं करेगा, कभी पाप नहीं करेगा। कोई आदमी चोरी करने गया है या चोरी करने जा रहा है, सोच ले चोरी करते करते मौत हो जाएगी, तब लोग देखेंगे कितनी बदनामी होगी, चोरी कर पाएगा? घूस लेने वाला, गबन करने वाला, घोटाला करने वाला, कोई भी पाप करे, मौत की याद करो। पाप करना तो दूर, पाप का ख्याल भी मन में नहीं होगा। मौत की याद दुखदाई नहीं है, मौत की याद सुखदाई है। लेकिन हम मौत का नाम तक सुनना नहीं चाहते। और रात के समय, शाम के समय तो कोई नाम भी ले लेना तो लोग डपर पड़ते हैं, नाखुद हो जाते हैं। अरे रात के समय मौत की याद कर रहे हो, मौत की चर्चा कर रहे हो, क्या मार डालो सबको? जिस दिन मौत आएगी ना, याद करो या ना करो, ऐसे समय रहा होगा। अभी तो 7 बज रहे हैं, 5-5:30 बजे का समय रहा होगा। बहुत पुरानी घटना है, 25-25 साल पहले मैं एक काम से गया था शहर में, इलाहाबाद में, अब तो प्रयागराज हो गया है, उस समय इलाहाबाद ही था। एक ऑफिस में बैठा था, नीचे ऑफिस था, ऊपर में निवास था। ऊपर से नौकर नीचे आया और मालिक से कहा, सेठ जी से, कि बहू जी ने ये संदेश दिया है कि भोजन बनाने का समय आ गया है, घर में नमक खत्म हो चुका है, बाजार से नमक मंगाना है। तो मालिक कहता, नमक मंगाना है अभी? शाम के समय नमक मंगाओगे? बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मतलब शाम को नमक खरीदेंगे तो घर भर के लोग मौत होगी, नमक खाएंगे तब मौत नहीं होगी, खरीदेंगे तो मौत हो जाएगी। शाम को सब्जी में रोज हल्दी खाते हैं तब मौत नहीं होती, लेकिन शाम को हल्दी खरीद लेंगे ना तो मौत हो जाए। कितना भयभीत है आदमी, कितना डरा हुआ है। ऐसा डरा हुआ आदमी क्या जीवन का आनंद ले सकेगा? ऐसा डरा हुआ आदमी क्या जीवन को समग्रता में जी सकेगा? इतना भयभीत आदमी कि नमक खरीदने से डर रहा है कि नमक खरीदेंगे तो सबका गड़बड़ हो जाएगा। क्या जीवन को समझ रहा है आदमी, कहाँ विवेक? यही तो मोह है, यही तो माया है, हमें सुख से जीने नहीं दे रहा है। साहब कहते हैं, जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। समझ लो तुम्हारा जीवन सपने के समान क्षणभंगुर है, कब खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए सावधान होकर के जियो, विवेकपूर्वक जीवन जियो। विवेकपूर्वक जीने वाला आदमी कभी भयभीत नहीं होता है। बीच की दो पंक्ति, बीच में 4 पंक्तियां और है, उन पर चर्चा नहीं करूंगा, समय पूरा होने वाला है। अंतिम की 2 पंक्तियों पर चर्चा करता हूं थोड़े से। कर विचार विकार परिहरी, तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोय। दुनिया से पार कौन होगा? माया से पार कौन होगा? दुनिया से पार होने का अर्थ है माया से पार होना।
मन में माया नहीं है, दुनिया में रहते रहते आप मुक्त हैं। कहा जाता है कि ये मानव जीवन भवसागर तरने के लिए मिला है, वो भवसागर कहीं नहीं है, भीतर है। साहब की ने कहा है बीजक में, इच्छा करी भवसागर, हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णा है, वासना है, यही भवसागर है। और इस भवसागर को हम विवेक पूर्वक तर सकते हैं। ये इच्छा कामना वासना तृष्णा यही तो माया है। इसको पार करने के लिए क्या होगा? कर विचार। क्या कहते हैं? विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। जानवर मनन नहीं कर सकता, जानवर चिंतन नहीं कर सकता, जानवर किसी बात पर गहराई से सोच नहीं कर सकता, लेकिन हम जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। और कहा गया है मननात मनुष्य, जो प्राणी मनन करता है, चिंतन करता है, गहराई से डूब करके विश्लेषण करता है, उस प्राणी को कहा जाता है मनुष्य। हम मनुष्य हैं। साहब कहते हैं विचार करो, गहराई में उतरो और विचार करके विकार कर, मन में जो भी विकार है उनका त्याग करो। विकार क्या है? ये विकार है, वो विकार है, वो विकार है, कहने का आवश्यकता नहीं है। मन जिस भाव के आने पर, मन में जिस भाव के आने पर मन उद्वेगित हो जाए, अशांत हो जाए, संचल हो जाए, व्याकुल हो जाए, हम अपने में ना रह पाए, वो सारे के सारे भाव विकार हैं। अब सोचे ऐसे कौन कौन से भाव आपके मन में आते हैं जिससे आप अपने में रह नहीं पाते, उत्तेजित हो जाते हैं, उद्वेगित हो जाते हैं, चंचल, व्याकुल, अशांत, पीड़ित हो जाते हैं, तनाव से भर जाता है मन। विचार करके इन्हीं विकारों का त्याग करना है। यही विचार पूर्वक विकारों का त्याग करना ही भजन है। विचार पूर्वक विकारों का त्याग करना ही पूजा है। यही साधना, ये उपासना है। पूजा भी करते चले जा रहे हैं, उपासना भी करते चले जा रहे हैं, मंत्र भी पढ़ते चले जा रहे हैं, नाम भी बते चले जा रहे हैं, और मन विकारों में डूबा हुआ है। कौन सी पूजा, कौन सी उपासना, कौन सा भजन, कौन सा धर्म का काम हो रहा है? आत्मशोधन का करना, अपने आप को निरंतर परिमार्जित करते चले जाना, ये सबसे बड़ी उपासना है, ये सबसे बड़ी पूजा है, यही धर्म का काम है। साहब कहते हैं कर विचार विकार परिहरी। विचार करो और विचार करके सारे विकारों को परित्याग करो। निर्विकार जीवन, निर्मल जीवन। जब मन निर्विकार हो गया तब साहब कहते तरण, तुम भवसागर से तर गए, तुम्हारे लिए भवसागर रह नहीं गया। और ऐसा जो व्यक्ति हो जाता है वो तारण हो जाता है, दूसरों को भी तारने वाला बन जाता है। वो स्वयं नहीं तारता, तरने का रास्ता बताता है। गुरु, गुरु वह है जो तरा हुआ है, और जो तरा हुआ है वह दूसरे को तैरने का रास्ता बताता है। ऐसा जो मुक्त जीवन है, निर्विकार निर्मल जीवन, साहब कहते हैं कहीं कबीर भगवंत अर्जुनर वे निर्मल जीवन सन दुनिया में प्रत्यक्ष भगवान है, द्वितीय और न कोई। उनको छोड़ करके तुम अलग भगवान खोजोगे तारने वाला, तो तुम्हें और कोई भगवान मिलने वाला है नहीं। पुराने जमाने में ऋषियों को, मुनियों को, संतों को ही भगवान कहा जाता था। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देख सकते हो, जब वनवास काल में महाराज राम आज के प्रयाग सिंगवेरपुर के पास से गंगा पार करके प्रयाग में प्रवेश किए और भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए, तब वहां राम ने भरद्वाज मुनि को 5 बार भगवान कह करके संबोधित किया है। और भरद्वाज मुनि ने राम को वत्स, बेटा कह करके पुकारा है, क्योंकि राम राजकुमार हैं
अब भरद्वाज प्रौढ़ उम्र के है, ऋषि है, तपस्वी है, मुनि है, ज्ञानी है। जब वनवास में सफर करते हुए राम सुतीक्षण और अगस्त के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां भी राम अगस्त और सुतीक्षण को भगवान कह करके बुलाते हैं। पूरी वाल्मीकि रामायण में राम के लिए एक बार भी भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, एक बार भी। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देख सकते हो। लेकिन भरद्वाज के लिए, अगस्त और सुतीक्षण के लिए भगवान शब्द का प्रयोग है। तो जो ऋषि मुनि संत हैं, निर्मल जीवन जिनका है, वे भगवान हैं। साहब कहते हैं उनकी शरण में जाओ, उनकी शरण में जाने से माया से मुक्त होने का रास्ता मिलेगा, भवसागर से पार होने का रास्ता मिलेगा। द्वितीय और न कोई तुम्हें रास्ता बताने वाला, तुम्हारे मन के दुख को दूर करने का उपाय बताने वाला दूसरा और कोई मिलेगा नहीं। हम मन से एक भगवान का रूप खड़ा करते हैं, हमारी भावना है, और भावना के आने पर मन शांत होता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यथार्थता क्या है, ये समझने की बात है। कबीर साहब हमको आकाश की सैर नहीं कराते, यथार्थ की धरातल पर लाकर हमें खड़ा करते हैं और तत्व को समझाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, मन के जो विकार हैं, विकार कुछ भी के लोभ काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा अहम भाव अहंता ममता कुछ भी हो, ये माया है। और जब जब ये विकार हमारे मन में आते हैं तब तब हमारा विवेक, हमारा मनुष्यत्व, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम अपने में रह नहीं पाते। अपने में रहने के लिए करना क्या है, निर्मल जीवन जो संत गुरुजन हैं, किस मत के संत, इससे कोई मतलब नहीं। एक बात याद रखिए, दुनिया के हर मत, हर संप्रदाय, हर परंपरा में अच्छे संत हुए हैं, आज होंगे हैं और आगे भी होंगे। अमुक मत में अच्छे संत होते हैं, ये अहंकार काम नहीं आएगा। हमारे मत में ही अच्छे संत होते हैं, हम कैरपंथ को मानने वाले हैं। यदि मैं ये कहता हूँ कि हमारे कैरपंथ में ही अच्छे संत होते हैं, इसके अलावा कोई अच्छे संत नहीं है, तो ये मेरा मिथ्या अहंकार है। अब ये अहंकार मुझे डुबा देगा। हर मत में अच्छे लोग हैं और हर मत में गलत लोग हैं। तो अच्छे संत, संत की परिभाषा क्या है? वैसे संत की परिभाषा है, जिसका मन शांत हो वो संत है। मेरे कपड़े में हो, आपके कपड़े में हो, देवियों के कपड़े में हो, कपड़े में संत तो नहीं है। जिसका मन शांत है वो संत है, या जो अपने मन को शांत करने के लिए ईमानदारी पूर्वक साधना कर रहा है वो संत है। कपड़े से क्या मतलब होता है? हमारे गुरुदेव जी की परिभाषा है संत कौन, जो दुखी नहीं होता वो संत है। और दुखी कौन नहीं होगा? जिसके मन में माया नहीं होगी, जिसके मन में विकार नहीं होगा, जिसके मन में तृष्णा नहीं होगी, जिसका मन निर्मल होगा वो दुखी नहीं होगा, जिसका मन शांत है वो दुखी नहीं होगा, जो निष्काम है वो दुखी नहीं होगा, जो अनासक्त है वो दुखी नहीं होगा, वो संत। किस मत का है इससे क्या मतलब? किसी भी मत का हो, किसी भी परंपरा का हो, जो दुखी नहीं होता, जो निष्काम है, अनासक्त है, निर्मल है, निर्विकार है, शांत है, वो संत। ऐसे जो संत हैं उनके पास जाकर, उनके बताए रास्ते पर चल करके माया से मुक्त हम हो सकते हैं और इसी जीवन में परम शांति, परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सदगुरु कबीर के एक पद में उठाया था, कुछ पंक्तियों पर निवेदन किया और इन्हीं निवेदनों के साथ इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम। आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान या
जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण टूटी गयो यम की जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परख पर आस साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती